स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि जिसको धुतकार कर धक्के मारकर अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, वो कैसे एक साथ आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत खास है और आज माना जा रहा है कि एक ही मंच से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एकजुटता का संदेश दे सकते हैं, क्योंकि आज सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और इस बार उनका जन्मदिन कई मायनों में खास है। माना जा रहा है कि 2016 में बिखरा सपा परिवार एक साथ आ सकता है और अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2022 चुनाव को पूरा सपा परिवार एक साथ एक मंच पर खड़ा होकर लड़ेगा। इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अलग होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना चुके शिवपाल यादव के बीच की दूरी कम होनी भी जरूरी है। दोनों दलों और नेताओं के बीच दूरी कम करने की कोशिशें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन अभी दोनों एक नहीं हुए हैं। कई बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव एक होने के संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद आज नेताजी के जन्मदिन पर उम्मीद की जा रही है कि दोनों नेताओं के दिल मिल सकते हैं और दोनों दल एक साथ आ सकते हैं।